बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं जनाब हाजी अफसल साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जो कि स्पेशली ग्लासगो से हमारे पास तशरीफ़ लाए और इन्होंने हमारी किडनी डायलिसिस सेंटर DHP हॉस्पिटल मीरपुर का विज़िट किया। ये डायलिसिस सेंटर इस पूरे आज़ाद कश्मीर में सबसे पहला डायलिसिस सेंटर है और 2003 से ये डायलिसिस सेंटर मरीज़ों को डायलिसिस, जो गुर्दे फेलियर के मरीज़ हैं उनको सर्विसेज फ्राहम कर रहा है। और इसका जो एहतमाम है, इसमें हमारे साथ NGO जो हमारे साथ काम करती है, अंजुमन फ्लावर बहुत इंसानियत, उसके प्रेसिडेंट डॉक्टर ताहिर साहब हैं। और इसके इंतज़ाम करने में डेफिनेटली जो मुहैया हजरात हैं उनका तावन शामिल है, जिसकी वजह से 2003 से मुसलसल डायलिसिस सेंटर ये काम कर रहा है। और इसके अखराजात अगर मैं बताऊं तो तकरीबन 6 करोड़ रुपए का बजट इसका सालाना बजट है, जिसमें से हमें तकरीबन 25% गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है और बाकी के जो सारे अखराजात हैं वो NGO की तरफ से बियर किए जाते हैं। मैं हाजी साहब का ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो स्पेशली हमारे पास आए, मरीज़ों से उन्होंने मुलाकात की और जो काम हम कर रहे हैं उसको उन्होंने बहुत सराहा। और इनकी माली तावन हमारे साथ जारी रहता है और माशाल्लाह अभी भी इन्होंने हमारे साथ माली तावन किया और आइंदा भी करने का वादा किया है, जिसके लिए मैं इनका बहुत मशकूर हूँ। और ये बेसिकली ये है कि एक सदका जारिया है, जो मरीज़ डायलिसिस के मरीज़ हैं उनकी ज़िंदगी का दारोमदार ही डायलिसिस पे है। अगर उनका चंद दिन के लिए डायलिसिस नहीं हो सकेगा तो उनकी अल्टीमेटली क्या है कि डेथ हो जाती है। तो इस सांस, मरीज़ों की सांस को चलाने के लिए जो मुहैया हजरात हमारे साथ, जितने भी लोग हमारे साथ तावन कर रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। हाजी साहब माशाल्लाह एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और मैं वहाँ पे भी जो इनके अहबाब हैं उनसे तावन की अपील करूँगा और ये हमारे लिए एक वसीला है कि हम वहाँ तक अपना मैसेज पहुँचा सकें। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और अल्लाह ताला हम सबको हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज़।